नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ पर एंड किया था, जो मेरी अगली ब्लॉग है अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने दिखाया था कि कितनी सारी प्रिपरेशंस के बाद ये काम स्टार्ट होता है। अभी जस्ट 11 बजे है, काम जस्ट स्टार्ट हुआ है मूंग हार्वेस्टिंग का। सो इसमें क्या है कि देखिए, दो जन टॉप मतलब ये थ्रेसर मशीन है उसके टॉप पर खड़े रहते हैं, उसको मैन्युअली फीड करते हैं और यहाँ से जो कचरा निकलता है उसमें डायरेक्ट ट्रैक्टर सेट किया है कि डायरेक्ट अंदर ही जाए, और बस ऐसे ही काम चालू हुआ है। बाकी सब लोग उठा उठा के ला रहे खेत से। और अभी देखते हैं, देखिए यहाँ से निकलते हैं मूंग, दो साइड से निकल रहे हैं, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े दाने हैं वो नीचे गिर रहे हैं, तो इसमें जो गीले मूंग है वो आ रहे हैं, और यहाँ पर जो ड्राई मूंग मतलब छोटे हो गए वो दाने हैं, तो इसमें अंदर ऐसे फिल्टर दिया हुआ है। पर एक जन को खड़े रहना है और मैन्युअली यहाँ से चेंज करते रहना है, और ये जो ट्रैक्टर है उसमें डालने हैं फाइनल मूंग। सो इस हिसाब से ये पूरा काम चल रहा है। ये वाले आउटलेट से जो निकलती है प्रोडक्ट, तो वो कचरा नहीं है, वो गाय भैंस का खाना है, चारा है। सो यहाँ पर एक मेन पावर लगाया है, तो वो मैन्युअली सब है ट्रैक्टर में डाल रहे हैं ताकि इजी रहे ले जाने में। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे मूंग वेस्टेज होते हैं, तो बस वो बड़ा दिल करके वेस्टेज जाने देना पड़ता है। जो मैंने आपको अभी दिखाया था बड़े दाने, तो वो सब गीले हैं, अभी सूखे नहीं है मूंग, तो उसको ऐसे अभी सुखा रहे हैं, और जब सब काम हो जाएगा तब तक ये बहुत ही सूख जाएंगे, तो वापस इसको एक बार उसमें थ्रेसर में डाल के फिल्टर कर देंगे। भी बोला था मैंने, तो यहाँ पर वो फिल्टर लगा हुआ है साइज का, मूंग की साइज का। सो छोटा एंड बड़ा ऐसे दो आउटलेट है। ये दाने भी गीले ही है, तो इसको भी सुखा देते हैं। Thank you.
आप गरम गरम धूप में गरम गरम चाय पी रहे हैं और मैंने भी चाय पी थी, क्योंकि मैं चाय जब भी मिलती है तो कभी मना नहीं कर पाती, आराम से पी लेती हूँ। इतनी सारी मेहनत के बाद जब ये ट्रैक्टर में देखते हैं तो खुशी होती है कि वाव पूरा भर जाए जल्दी से। और ये पूरे मूंग हमें सेल ही करने हैं। सो आप देख रहे हो मेरे व्यूअर्स, आप किसी को अगर लेने की इच्छा है सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दूंगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि दो बात की फुल गारंटी है, सही दाम एंड सही प्रोडक्ट। सो अभी हमारा टिफ़िन भी आ गया है घर से, खाना है इसमें, जब लंच ब्रेक होगा तब खाएंगे। ये पूरी ट्रैक्टर की जो ट्रॉली है वो गाय के चारे से भर गई है, तो हमने जिनको सेल किया है वो आ गए हैं इनको लेने के लिए। सर की चारों ओर से जो मूंग थे वो सब आ गए हैं, सो खेत में बहुत दूर तक चल के जाना पड़ रहा है मूंग लाने के लिए। सो यहाँ पर जो आंटी थे उनको बोल दिया है कि आप जाओ और वो हेल्प करो, सो मैं अभी यहाँ पर मूंग ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अभी है लंच ब्रेक, सो सब लोग लंच कर रहे हैं, और रियली यहाँ पर खेत में बैठ के लंच करने का मज़ा ही कुछ और है। जब भी खेत में आके खाने का चांस मिलता है तो वो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। सो आज रियली बहुत मज़ा आया हमको। खाना खा के सब लोग अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं और उसके बाद वापस से काम स्टार्ट होगा। नहीं बेहो बस भाव ना पीछे ना इच के बेहो लंच के बाद मैं घर आ गई थी और अभी बजे है 5:30 और मूंग का ट्रैक्टर है वो अभी घर पे आ रहा है, तो उससे पहले सब तैयारी कर रहे, एडजस्ट कर रहे। सो अभी जो ट्रॉली आई वो एक्चुअली चारे की ट्रॉली आई है, क्योंकि हम भी मुरली के लिए थोड़ा ये मूंग का चारा रख रहे हैं, सो वो पहले इसको सेट करते हैं और उसके बाद आ रही है मूंग की ट्रॉली।
એને ચાકો પકડો. सो अब आ गए सब लोग, पापा जी आ गए और धार्मिक भी आ गए हैं ट्रैक्टर, वो मूंग वाला ट्रैक्टर लेके. अभी जो तालपत्री सेट की है ब्लैक वाली, तो उसमें ये सारे मूंग है, उसको सुखाएंगे 4-5 दिन और उसके बाद वापस उसको बहुत सारा काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तब जाके मूंग रेडी होंगे सेल करने के लिए. अभी हुए हैं 7:15 और श्री खेल रही है मूंग में, उसको बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में. और अभी मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि अब बनाऊंगी मैं डिनर. आपने देखा होगा आज की कितनी मेहनत के बाद, मतलब खेत में पाक आता है वो फार्मर्स के घर में आता है, उसके बाद मार्केट जाता है, मार्केट से रीसेल होता है, सब लोगों के घर में जाता है और तब और डायरेक्टली वो हम नहीं खा सकते ना, उसका खाना बनता है और फिर हम खा पाते हैं. सो मेरा सिर्फ कहने का इन शॉर्ट यही मतलब है कि प्लीज़ डोंट वेस्ट फूड. मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के घर में बहुत सारा खाना बनता है फिर वो सीधा जाता है डस्टबिन में. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ खाने को फेंकिए मत. आप चाहे तो उसको जो स्ट्रीट एनिमल्स है, जो काव है, डॉग्स है, उनको दीजिए या कुछ भी करके किसी के मुंह में जाए वो ट्राई कीजिए, बट प्लीज़ खाने को फेंकिए मत. सो इतने सारे काम के बाद आज की व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं. गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. मिलते हैं नए व्लॉग में.